तारिया सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। देश भर में आईसीएसआई जयपुर चैप्टर के तन्मय अग्रवाल प्रथम और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओएस में तन्मय अग्रवाल के आई प्रथम रैंक। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रिया भागचंदानी देश भर में पांचवें नंबर पर, प्रोफेशनल एनएस में हर्षित पारवाल की 18वीं रैंक आई है। आयुषी प्रदीप अग्रवाल ने हासिल की है 23वीं रैंक। इसके अलावा आईसीएसआई जयपुर चैप्टर अध्यक्ष रिया शर्मा ने यह जानकारी दी है। ये तमाम टॉपर जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बड़ी खबर है, बड़ी सफलता के तौर पर भी इसको देखा जा रहा। सीएस प्रोफेशनल्स और एग्जीक्यूटिव परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देश भर में आईसीएसआई जयपुर चैप्टर के तन्मय अग्रवाल प्रथम आए हैं। अंकित इस वक्त हमारे साथ है। अंकित, वाकई में इन तमाम बच्चों के लिए, चेहरों के लिए ये बहुत बड़ा मौका भी था और उसको कैश भी किया, प्रथम से लेकर कई अच्छे रैंक मिले हैं। बिल्कुल, एक अच्छी खबर राजस्थान के लिए, जयपुर चैप्टर के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के जो ओल्ड स्कीम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के परीक्षा परिणाम आए, उनमें तन्मय अग्रवाल ने 437 अंक लेकर पहला स्थान देश भर में पाया है। जयपुर चैप्टर के लिए खुशी की बात हो सकती है। वही एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू स्कीम में पांचवी रैंक पे रिया भागचंदानी है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू स्कीम में ही जयपुर में सेकेंड रैंक पर सिल्की सिंगल है और काजल शर्मा को थर्ड रैंक मिली है। वही प्रोफेशनल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो कनक मित्तल जयपुर में पहले पायदान पर रही है, दूसरे पे रौनक सुभाष गुप्ता रहे हैं, और प्रोफेशनल के न्यू स्कीम में हर्षित पाल ने देश भर में 18वीं और जयपुर में पहली रैंक हासिल की है। आयुषी प्रदीप अग्रवाल ने देश भर में 23वीं और जयपुर में दूसरी रैंक, और दीक्षा राव ने तीसरी रैंक हासिल की है। सभी जो प्रतिभागी हैं उनके चेहरे पे जाहिर है खुशी है इस वक्त इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की। प्रोफेशनल भारत की आवश्यकता भी है और प्रोफेशनल जो भी होता है। बिल्कुल, वाकई में इन तमाम चेहरों पर खुशी का माहौल देखा जा रहा। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी जो सामने आई इस वक्त आपको दिखा रहे, देखिए माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा। लेकिन जो सफलता के बाद, मेहनत के बाद जो सफलता मिली है वो साफ तौर पर चेहरे पर दिखाई दे रही है।